हर साल की तरह इस साल भी उपमंडल भोरन चाहू का बस अड्डा अपनी दुर्दशा पर बदहाली के आंसू रो रहा है। बस अड्डे में गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए हैं, पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं और गाड़ियां भी बड़ी ही सावधानी से चलानी पड़ रही हैं। बारिश के कारण जहां लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वहीं लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। बस अड्डे पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से लोगों का गाड़ियों में तो क्या पैदल चलना भी दुर्बल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस अड्डे की मरम्मत जल्दी से जल्दी करवाई जाए ताकि लोग भी बस अड्डे पर आने से राहत की सांस ले सकें। चाहू बस अड्डा इंचार्ज कमल शर्मा का कहना है कि बरसात खत्म होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा है ना जी, हेड ऑफिस से हमने बात की है और वहाँ से जो पैसा जो मंजूर हो गया है और जैसी बात होगी, भारी परेशानी तो हो रही है पब्लिक को, तो मैंने अपने साहब जी से बात की है। उन्होंने कहा कि अगर ये बरसात जब खत्म हो जाएगी उसके बाद या इसका अड्डे का काम या करवा दिया जाएगा। हाँ, बाबू जी ने कहा इसका पैसा जो है इसका टेंडर हो गया और बरसात खत्म होने के बाद तुरंत काम लगा दिया जाएगा।